नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आप देख रहे हैं SBT 790। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं कि यदि आपके अंदर खून की कमी हो गई हो तो उसे घरेलू उपचार करके तेज़ी से कैसे बढ़ाया जा सकता है। दोस्तों खून की कमी होने के कारण हमारी जो स्किन की रंग है, आँखों की रंग है, वो धीरे धीरे पीला पड़ने लगता है, येलो कलर का हो जाता है। दोस्तों महिलाओं में इस बीमारी का नाम दिया गया है एनीमिया। एनीमिया बहुत ही खतरनाक बीमारी है जो हमारे शरीर के अंदर हेमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है। हेमोग्लोबिन प्लस आयरन, बी कॉम्प्लेक्स, फॉलिक एसिड, इन सब चीज़ों की जब मात्रा हमारे शरीर के अंदर कम हो जाती है तो धीरे धीरे हमारे स्किन का जो कलर है वो पीला पड़ने लगता है। आँखों में सबसे पहले इसका असर दिखाई देता है, आंखें सबसे पहले पीली होती हैं, उसके बाद में धीरे धीरे ये और जो हमारे शरीर की स्किन है वो धीरे धीरे पीला पड़ने लगता है। दोस्तों इस बीमारी के होने के बाद में जो हमारे जो हम खाना खाते हैं या पानी पीते हैं तो हमारा जी मचलाने लगता है, साथ साथ में उल्टियां भी होने लगती है। जो भी कुछ हम खाएंगे धीरे धीरे उल्टी होने लगेगी। दोस्तों ये बीमारी पुरुषों में भी देखी जाती है, पुरुषों में भी बीमारी देखी जाती है, उसे जॉइंटिस कहते हैं और ये भी बहुत ख़तरनाक बीमारी है। इससे आपके अंदर हेमोग्लोबिन की मात्रा बहुत कम हो जाती है और हेमोग्लोबिन की मात्रा कम होने के कारण ये बीमारी हमारे अंदर होती है। दोस्तों बात करते हैं कि हीमोग्लोबिन की मात्रा को कैसे बढ़ाया जा सकता है, वो भी घरेलू उपचार करके। तो दोस्तों इसके लिए आप मूंगफली के दाने को गुड़ के साथ में खा सकते हैं, इससे भी आपके अंदर बहुत तेज़ी से हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ेगी। और यदि आप जूस का प्रयोग करते हैं तो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। दोस्तों सबसे पहले नंबर पे आता है अनार का जूस। यदि आप अनार के जूस का प्रयोग करते हैं सुबह शाम में तो ये आपके अंदर जो हीमोग्लोबिन की मात्रा है बहुत तेज़ी से बढ़ेगी, क्योंकि अनार के अंदर आयरन, फॉलिक एसिड और बी कॉम्प्लेक्स, बहुत सारे गुण अनार के अंदर पाए जाते हैं और बहुत सारे विटामिन्स अनार के अंदर मौजूद होने के कारण ये हमारे अंदर खून की मात्रा बहुत तेज़ी से बढ़ाता है और जिससे हमें काफ़ी हद तक लाभ मिलता है। दोस्तों यदि आप अनार के जूस का प्रयोग करते हैं सुबह शाम में एक एक गिलास तो आपके शरीर के अंदर जो हीमोग्लोबिन की मात्रा है वो 10 से 15 दिनों के अंदर रिकवर कर देगा। यानी 10 से 15 दिनों के अंदर आपके जो हीमोग्लोबिन की मात्रा कम है आपके शरीर के अंदर, अनार उसे पूर्ति कर देगा। यानी जितना आपके अंदर खून कम है उतना खून ये बढ़ा देगा। दोस्तों यदि आपको बहुत ज़्यादा यदि आपके अंदर खून की कमी नहीं है फिर भी आपको बहुत ज़्यादा वीकनेस फील होती है तो उस केस में भी आप अनार के जूस का प्रयोग कर सकते हैं, ये आपको बहुत अच्छा लाभ पहुँचाएगी। दोस्तों अनार के जूस के साथ साथ में अगर आप और भी फल खाते हैं तो काफ़ी हद तक वो आपको रिस्पॉन्स पहुँचाएगा। दोस्तों छुहारा भी बहुत अच्छा होता है, छुहारा तो आप जानते ही होंगे, छुहारे का भी प्रयोग करते हैं अगर शाम को भिगो देते हैं सुबह खाते हैं तो उससे भी आपके अंदर खून की कमी बहुत जल्दी दूर होगी, या फिर आपको वीकनेस फील हो रही हो या फिर आपको भूख भी नहीं लग रही हो तब भी बहुत अच्छा आपको रिस्पॉन्स देता है छुहारा। और लेकिन अनार सबसे अच्छा है, यदि आप अनार का प्रयोग करते हैं तो सबसे उत्तम है, इससे आपके अंदर हीमोग्लोबिन की मात्रा भी तेज़ी से बढ़ेगी, आपको जो भूख नहीं लग रही थी या फिर आपको जो वीकनेस फील हो रही थी वो उसमें भी काफ़ी हद तक रिस्पॉन्स देता है। दोस्तों दूसरे नंबर पे आता है सेब। यदि आप सेब का प्रयोग करते हैं तो सेब के प्रयोग से भी आपके अंदर खून की जो कमी है बहुत जल्दी से सेब भी पूरा करता है, क्योंकि सेब के अंदर भी बहुत सारे विटामिन्स पाए जाते हैं, विटामिन सी, B1, B12 यानी विटामिन डी। सारे विटामिन डी का वर्क क्या होता है, विटामिन डी आपके हड्डियों को मजबूत करता है, जो कि सेब के अंदर पाया जाता है जो कि काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स देता है। दोस्तों यदि आपके अंदर खून की कमी नहीं है, आपके स्किन पे झुर्रियाँ पड़ गई हैं या फिर आपके चेहरे पे झइयाँ पड़ जाती हैं तो उस केस में भी आप सेब का प्रयोग कर सकते हैं। यदि आप सेब का प्रयोग करते हैं तो काफ़ी हद तक रिस्पॉन्स देगा। दोस्तों त्वचा संबंधित यानी स्किन रिलेटेड जितने भी डिसीज होते हैं, बीमारियां होती हैं, अगर आप सेब का प्रयोग करते हैं तो काफ़ी हद तक रिस्पॉन्स देगा। दोस्तों तीसरे नंबर पे आता है अंकुरित अनाज। दोस्तों इसमें आपका चना हो गया, गेहूं हो गया, मसूर हो गया, इसे आप भिगो के सुबह खा सकते हैं और अगर आप अंकुरित अनाज खाते हैं तो काफ़ी हद तक रिस्पॉन्स देता है। दोस्तों बात कर लेते हैं कि इसके साथ में अगर हम कौन सी दवा का प्रयोग करें जिससे हमें बहुत जल्दी बेनिफिट मिले, तो दोस्तों दवा आता है इसमें ओरोफर XT सीरप। दोस्तों ओरोफर XT सीरप का अगर आप प्रयोग करते हैं तो आपको काफ़ी हद तक रिस्पॉन्स देता है आपके खून को इनक्रीज़ करने में, खून को बढ़ाने में।
दोस्तों चलते चलते आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड करें तो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। दोस्तों हमारे वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि और भी लोग देख सकें जो आपके व्हाट्सएप पे हों या फेसबुक पे हों। धन्यवाद।